गाड़ियों के अंदर की टेक्नोलॉजी रीसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है एंड काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्पल कारप्ले कैसे आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाता है जब आप गाड़ी चलाते हैं एंड क्या क्या फीचर्स आप इससे एक्सेस करते हैं गाड़ी को यूज़ करते हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं ऑल अबाउट एप्पल कारप्ले। तो मैं आईफोन 12 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और ये है मर्सिडीज़ की GLE जो हाल ही में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर ऑफ कोर्स एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन वायरलेस एप्पल कारप्ले इसके अंदर नहीं है, वायर्ड एप्पल कारप्ले है। तो आपको अपने फ़ोन की केबल को इसके नीचे वाले सॉकेट में लगा के ऐसे यहाँ पे नॉर्मली कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा, अनलॉक टू स्टार्ट यूजिंग एप्पल कारप्ले। तो आप एक बार ही अनलॉक करेंगे अपने फ़ोन को तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगी एप्पल कारप्ले की। यहाँ पे आपको एक मैप्स देखने को मिलते हैं, लेफ्ट में आपके म्यूज़िक और उसके ऊपर आपका जो शॉर्टकट है। राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी जो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। फ़ोन की ऐप है, म्यूज़िक की ऐप है, मैप्स हैं, मैसेजेस हैं, ऑल ऑफ दैट। गूगल मैप्स भी है, ऐप्स भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे जो इसके अंदर हैंडी चीज़ होती है वो होता है इसका पर्सनल असिस्टेंट का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। आपको बोलना है, हे सिरी टेक मी होम, व्हिच होम एड्रेस। सो बेसिकली सिरी का यूज़ करके आप काफ़ी सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के अंदर सिरी का यूज़ करते हैं सेम तरीके से आप गाड़ी में वो रेप्लिकेट कर सकते हैं यूजिंग एप्पल कारप्ले। आप या तो कमांड दे के सिरी को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर आप इस बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सिरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ मैसेजेस की, फ़ोन कॉल्स की, वो सब आप सिरी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ। हे सिरी सेंड अ मैसेज टू अंकित दुबे जागरण, व्हाट डू यू वांट टू से, हैव अ गुड डे अंकित। योर मैसेज टू अंकित दुबे जागरण सेज हैव अ गुड डे अंकित, रेडी टू सेंड इट। यस, Okay, it's sent. तो आप कुछ इस तरीके से बिना अपने हाथों का प्रयोग करे एंड गाड़ी चलाते हुए आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मैसेजेस भेज सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आप अपनी नेविगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। बात करी नेविगेशन की तो इसके अंदर आपको गूगल मैप्स देखने को मिलते हैं। गूगल मैप्स बेसिकली जो सेम ऐप आपके फ़ोन के अंदर है रियल टाइम, ये ऑफ कोर्स यहाँ से रेप्लिकेट हो रही है, रियल टाइम ट्रैफिक आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर भी है क्योंकि गूगल मैप्स का मैं काफ़ी आदी हूँ, कहीं पे भी नई जगह जाता हूँ तो गूगल मैप्स के थ्रू ही जाता हूँ। एप्पल के मैप्स थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, इतने एक्यूरेट कई बार नहीं होते हैं स्पेशली इंडिया के अंदर। तो गूगल मैप्स का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक आप देख सकते हैं, आपकी सारी जो डेस्टिनेशंस आपने पहले सेव कर रखी हैं एंड अगर मैं बात करूँ तो नियर बाय पेट्रोल पंप्स एंड वर्क एंड होम आपने जो भी सब सेट कर रखा है वो सेम आपको यहाँ पर रेप्लिकेट होता है। उसके बाद आप कैलेंडर देख सकते हैं, आज का आपका क्या प्लान है, उसके अलावा आपने जो मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल करी हैं वो सब यहाँ पे कैलेंडर में रेप्लिकेट हो जाती हैं। फिर अगर आप इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके की नोटिफिकेशंस चाहते हैं, कि आप अपने फ़ोन का DND ऑन करना चाहते हैं एज सून एज यू कनेक्ट योर फ़ोन हियर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ये फीचर iOS 14 की अपडेट के साथ नया आया था, आप इसमें कुछ सिलेक्टेड वॉलपेपर्स हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर आप एल्बम आर्ट एंड ऑल ऑफ दैट, बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो आप गाड़ी चलाते हुए, सिर्फ बेसिक चीज़ें कंट्रोल कर सकें। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो गाड़ी ड्राइव करते हुए स्पेशली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अगर आपकी गाड़ी एप्पल कारप्ले से एनेबल्ड है एंड आपके पास एक आईफोन है, बिकॉज आप बिना अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील से हटाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काफ़ी सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं ऑन द गो, लेट इट बी मैप्स या आपको कॉल्स करनी हो या मैसेजेस करने हो, इवन व्हाट्सएप का भी रिप्लाई करना हो तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एप्पल कारप्ले आज की डेट में कॉमन होता जा रहा है। इनफैक्ट हाल ही में लॉन्च हुई निसान मैग्नाइट जो अराउंड 5 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई है, उसके टॉप वेरिएंट्स में आपको एप्पल कारप्ले तो मिलता ही है, साथ में वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिलता है, जिसका मतलब आपको वायर से भी कनेक्ट नहीं करना पड़ता उसमें एंड यूजिंग वाईफाई ये अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट कर लेता है। तो काफ़ी हैंडी फीचर है एंड अगली बार आप अगर एक नई गाड़ी परचेज करने जा रहे हो तो एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से इनेबल्ड
अगर आपको उसके अंदर वेरिएंट मिले तो डेफिनेटली उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए काफ़ी हैंडी रहता है ये। तो ये थे हमारे इंप्रेशंस एप्पल कापले के बारे में, इसके रियल वर्ल्ड यूज़ क्या होते हैं ये सब मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि क्या जानना चाहते हैं अब। एंड इसके बाद आपके पास आने वाला है एंड्रॉयड ऑटो का वीडियो, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी स्क्रीन कैसी होती है, क्या क्या फीचर्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।